तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार है और अब अंग्रेजी में जयराम रमेश अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारी हमारी नज़र जो है वो इस वक्त बनी हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और चूंकि वो अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो बड़ी बातें होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि गलत आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ा जा रहा है, नतीजे से हैरान है ये भी कहा है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ तहसीन पुनावाला भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शुभरास्ता जी भी जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं दोनों, और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन इनफैक्ट हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक जी केक कहाँ है? केक तो फ्रिज में रखा हुआ है। आप क्या करेंगे फ्रिज में रख के? अब तो हो गया खेल, अब वो आप नहीं, अब देखेंगे, प्रेम शुक्ला जी के पास पहुंचा दीजिए। नहीं नहीं पहुंचा देंगे, ये तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनको भी एक केक देना चाहिए कम से कम। ये तो मानना पड़ेगा इनको भी कि कश्मीर में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का, तो वो मुबारकबाद तो इनको थोड़ा बड़ा दिल करके देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी अभी देखिए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट से, और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक मैनिपुलेटिवनेस भी करी गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है तो हाँ, तो जयराम रमेश जी अभी जो बोलेंगे तो उसके हिसाब से ही पर ये मैनिपुलेशन उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? नहीं देखिए, आपने जो जो अभी आपने जब पैकेज की शुरुआत करी तो जिस तरीके से आपने जो एनालाइज करा, उस एनालिसिस से मैं काफी हद तक बहुत सी चीजों में एग्री जरूर कर रहा हूँ कि जाट वर्सेस, देखिए जब कोई चीज हो जाती है तो उसको एनालाइज करके रीजनिंग निकालना एक अलग बात हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से हमारी लॉजिकल बातें करते हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ एक केक मैं एक्स्ट्रा आपके घर पे भिजवा दूंगी। यू आर इन बैंगलोर है ना, मैं वहां भिजवा दूंगी। नहीं, बिल्कुल। पर प्लीज हाँ। आप ये मत कहिए कि मैनिपुलेशन हुआ है, या तो ये मान लीजिए कि जाट वर्सेस ऑल हो गया तो है कि, हाँ। ये लेकिन चूंकि आप लोग हार गए हैं तो इसका ठीक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हम हार गए हैं तो बल्ला गलत था, बॉल झूठी थी, पिच जो है वो गीली थी, ये सारी बातें नहीं चलेगी सर। हवा में प्रेशर अलग किस्म का था, हमारे साथ बूटिंग कर रही थी, ये सब नहीं चलेगा। आप हार गए हैं, कह दीजिए वी आर सॉरी, हमने गलत आकलन कर दिया, बस बात खत्म। नहीं वो ठीक है, हम अभी आकलन चलेगा, कांग्रेस पार्टी की अपनी मीटिंग चलेगी अभी, उनके संसदीय पूरा वो जो बेल्ट बैठेगा, बाकी पार्टियों का बैठेगा जो मिलके सब लड़े थे कि क्या हुआ, और हम भी एक रीजनिंग देंगे निकाल करके, और आपने जो एनालिसिस किया पत्रकारों से बिल्कुल सीखेंगे, आपने जो जो पॉइंट्स रखे हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन जरूर किया जाएगा कि क्या ये वाकई जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ, क्या दलित वोट हमारे साथ नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, ओबीसीज अगर छिटक गए, अहिरवाल क्षेत्र में परफॉर्मेंस अलग रही, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक चर्चा जरूर करी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है, चूंकि आप मुबारकबाद भी चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है, प्रेम जी मुबारकबाद तो दे दीजिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं। बात का मुबारकबाद चाहते, पता नहीं क्या क्या सोचा करते हैं ये। देखिए जम्मू एवं कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अपने इतिहास में सीटें मिली, 29 सीटें मिली, सीटों की संख्या बढ़ी, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और हंग असेंबली हम कह रहे तो हंग असेंबली आई तो, और हरियाणा में आप और बाहर जम्मू एवं कश्मीर में भी श्रीमान राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो आपके इंडिया अलायंस के जो नेता है विवेक बाबू, 70 हटने के बाद वो जहां जहां चले जाते हैं वहां वहां चुनाव हार जाते हैं, यही हाल आपका जो है हरियाणा में रहा। हरियाणा में उनके एक बात ध्यान रखिएगा, हरियाणा को भली भांति ये जानते थे कि चुनाव हारेंगे, सिर्फ माहौल खड़ा कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा में इन्होंने कांग्रेस ने वो ठीक है, चलिए मेरी हरियाणा की बात का उत्तर दीजिए, घोषित नहीं किया। मैंने सुनिए, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कश्मीर के अंदर जो 47 सीट्स हैं तो पहले मेरी बात, उसमें से बीजेपी को एक भी नहीं मिली, इसका क्या कारण है? क्या ये 370 का हटाना गलत डिसीजन था या नहीं? जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ भाई, काहे बीच में चीख पुकार कर रहे हैं, आराम से शांत हो जाइए, मुझे मेरी बात पूरी हो जाए, ये आपके भी बातों का उत्तर देंगे विवेक जी। ये जो स्थिति थी हरियाणा में, रूपिका जी आप ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस ने
हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? क्योंकि उनको पता था कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने घोषणाएं तो कर दी, लागू नहीं कर पाए। और आप याद दीजिए, रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है सुक्कू का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि हमने कोई वादा नहीं किया था, दिल्ली वाले करके गए थे। ये स्थिति इनकी जो है हरियाणा में भी थी, और हरियाणा में ये चुनाव हार रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। नहीं, नहीं, ये जिस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा था, लेकर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हो रहा था, बाकी जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे पूछ लूंगी, मुझे बताइए आप लोगों ने क्या किया? ये 49 जो आ गया था, कि ये हमें बात नहीं करनी है, हमें वो जो माहौल सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको चलते रहने देना है, किया क्या आप लोगों ने? देखिए, जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व जन ये आश्रम करना, हमारी सरकार भी परिश्रम करती है, हमारे मंत्री परिश्रम करते हैं, हमारे पदाधिकारी परिश्रम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, उसी का परिणाम था कि जिस तरह से इन्होंने झूठा नरेटिव तो सेट किया कि पहलवान को महा नाराज हैं, लेकिन आप जानती भली भांति महावीर फोगट जो वहाँ की कुश्ती के भीष्म पितामह हैं, महावीर फोगट जिन्होंने तमाम स्वर्ण पदक विजेता जो हैं तैयार किए हैं, महावीर फोगट का बयान आपने चलाया है कि किस तरह से जो है खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से दी, तो ये पहलवान का नैरेटिव गलत था, इनका किसान का नैरेटिव नहीं, पर वो किसान नाराज है। प्रेम शुक्ला जी विनेश फोगाट हरियाणा में हम MSP कितनी फसलों पे दे रहे हैं, फोगाट जीती पंजाब में कितनी फसलों पे, विनेश फोगाट भी तो जीती है, ये अन्याय का सबसे बड़ा चेहरा थी कि इनके महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और वो जीत गई। बहरहाल, इस पर मैं कुछ और बिंदु जानना चाहती हूँ, जीत गई है बिल्कुल, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जिट पोल में सुबह से कह रही हूँ, आप भी मेरे साथ थे, विवेक भी मेरे साथ थे, शुभ्रास्ता अब मेरे साथ जुड़ी हैं, शुभ्रास्ता आप भी तो कमोबेश पॉलिटिकल पार्टीज को जो जानकारियाँ देती हैं या सजेशंस देती हैं, एडवाइस देती हैं, डेटा के आधार पर ही देती है ना, सबका सब डेटा के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो पोलस्टर्स, ये एग्जिट पोल, ये पिछले दो बार से औंधे मुँह गिर रहे हैं, औंधे मुँह।